हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओए आगे चलो। अभी हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट के अंदर ही, जो सी व्यू है उसको एंजॉय करने। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का टाइम, काफी ग्रीनरी है। ओ वाओ, बड़ा ऐसे रखा हुआ है टेम्परेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग अपने रिजॉर्ट के अंदर ही हैं और सी व्यू को एंजॉय करने जा रहे हैं। रिजॉर्ट से जो कनेक्टेड सी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग का टाइम है। वाओ यार, इतनी सारी सिप है यहाँ पे। हम लोगों ने ये सारे फिशिंग के बोट है ना, सारे फिशिंग के बोट हैं यहाँ रखे जो यहाँ के लोग। इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग को और थोड़ा जल्दी आना था, बस हम लोग थोड़ा लेट कर दिए। बट लग नहीं रहा कि हम लोग इतना लेट हुए। लेट तो हो गए हैं क्योंकि बादल है तो नहीं पता चला। तो सनराइज कब का हो चुका है। सनराइज टाइमिंग 5 बजे की है। वाओ, इतना अच्छा लग रहा है। मिस्टर, वो देखो किला बहुत ही शानदार बीच है। काला पत्थर यहीं से कनेक्ट होता है। थोड़ा दूर यहाँ से काला पत्थर है जहाँ हम लोग कल गए थे। कल शाम को जब लो टाइड हुआ था ना। आ जा। नहीं खेलेगा। कल शाम को जब लो टाइड हुआ था ना, ये पानी बिल्कुल आगे चला गया था। मैं देखी थी, एकदम पीछे था। कहाँ? दूसरे रिजॉर्ट। हाँ, बच्चे को लेके नहा रहे। सो गाइज, ये जो बीच दिख रहा है ये हमारे रिजॉर्ट से ही कनेक्टेड है, उसी की प्रॉपर्टी का है ये। और इस बीच के साइड में बहुत सारे बोट लगे हुए थे और मैं यहाँ पे आकर बैठकर मस्ती कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में हम लोग उठकर 5:30 के अराउंड हो रहा था टाइम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हम लोग यहाँ आकर मस्त एकदम इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। हमने जानबूझकर ऐसा ही रिजॉर्ट लिया था जो बीच से कनेक्टेड हो, और यहाँ पे सीट्स वगैरह बने हुए थे, आप आराम से आके यहाँ मस्ती कर सकते हो। यहाँ पे पार्टी वगैरह भी होती है नाइट में, बहुत अच्छा लगता है। नाइट का व्यू अलग आता है, डे का व्यू अलग आता है। तो हम लोग बिल्कुल मॉर्निंग में उठकर बस जस्ट डायरेक्ट बीच पे आ गए थे और हम दोनों लोग काफ़ी घंटों हम लोग यहाँ बैठ के मस्त एकदम इंजॉय कर रहे थे बीच व्यू को। उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकल के जाके ब्रेकफास्ट किया हम दोनों ने। और अभी आप लोग ये देख सकते हो कि सामने बोट लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे साइड में भी बोट रखे हुए थे। ये बहुत सारे बोट यहाँ थे, मुझे लगता है ये सारे फिशिंग बोट या कोई भी बोट रहे होंगे। लेकिन बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था, बहुत प्यारा लगा था मॉर्निंग में। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बीच व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, पीसफुल सा लग रहा है और मॉर्निंग के टाइम में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस हम लोग आ गए एंजॉय करने, उसके बाद जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड पीछे का व्यू मिस्टर दिखाइए, पीछे ही हमारा कॉटेज है। यस, एंड ये समंदर है हमारे जस्ट सामने। एंड और ये पीछे हमारा जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, हमारा रिजॉर्ट। यहाँ पे नाइट में पार्टी जो वगैरह होती है।
अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने काफ़ी मस्ती किया है यहाँ पे, अब टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का। हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे फिर कहीं के बाद नहाएंगे, नहाने के बाद रेडी होके कहीं निकलेंगे। अभी तो हम लोगों ने इसी बीच पे बहुत सारा एंजॉय किया, मस्ती की, बहुत देर तक हम लोग साथ में बैठ के बातें की, बहुत अच्छा लगा। यस तो अभी देखती हूँ ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या है। वैसे तो जनरली पूरी सब्जी या ब्रेड यही सब बटर यही सब मिलता है, पर यहाँ का पूरी सब्जी अच्छा था ना, छोले पूरी थे ना कल, तो शायद बहुत अच्छा बहुत कुछ मिस कर। यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट किया भैया, क्या है ब्रेकफास्ट में? हाँ बटर जम और पूरी सब्जी। ठीक है ले आओ। तो भैया जो उसमें इंक्लूडेड है वो वाले हैं ना? हाँ वही वही है। ठीक है लेकर आओ। चाय भी है? चाय भी ले। दो चाय। हाँ दो चाय दो। ये देखिए मिस्टर कितना प्यारा लग रहा व्यू, इसको तो ऐसे ही दिखाई दिख रहा है वैसा। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। कोई ऑर्डर ये ला रहे हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और तो मन भरता है बिल्कुल। इतना मतलब एकदम नेचर के करीब, सारी चीजें नेचुरल, इतनी सारी ग्रीनरी यहाँ पे है, सी है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट यहाँ पे दो तीन दिन ही हम लोग रहते हैं, बहुत मज़ा आ जाता है दो तीन दिनों में भी। और अभी हम लोग को घूमने भी जाना है, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे देन जाएंगे। मिस्टर yes. वो ब्रेड जैम तो है, साथ में छोले पूरी भी हैं। छोले पूरी, छोले पूरी ज़्यादा अच्छे थे इनके yes. है ना, ब्रेड जैम भी अच्छा हुआ। ब्रेड जैम इनकी सारी चीज़ें अच्छी हैं बिल्कुल। हाँ इतना अच्छा बंद करिएगा, हाई कैप्चरिंग व्यू है कि मैं क्या बताऊँ। इन लोग का ब्रेकफास्ट आ गया है, पूरी एंड छोले। यहाँ क्या बोलते छोले को? चटपटी। चटपटी बोलते हैं इसको, चटपटी। यहाँ नहीं, नहीं कार्निक में बोलते हैं। यहाँ भी चटपटी बोलते हैं। ऐसा बोला इन्होंने। वाओ व्हाट्स अ व्यू, कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है गाइज। ये मेरी रिजॉर्ट के अंदर का व्यू है, इतना प्यारा दिख रहा था कि बस लग रहा था सारी चीज़ें मैं कैप्चर कर लूँ। और ये जो लाइट्स लगे हुए हैं, ये लाइट्स जब जलते हैं ना तो पेड़ पे एक अलग सा खूबसूरत सा लाइट्स का जो शेड पड़ता है, बहुत ही अलग सा व्यू आता है। दिन का अलग भी होता है, रात का अलग भी होता है। और हमने अपना कॉटेज इसी में बुक किया था, जो लास्ट वाला ये मेरा कॉटेज है। और मेरे रिजॉर्ट से जो व्यू आ रहा था ना वो अल्टीमेट था, बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा था। और ये जो कोकोनट ट्रीज है ना वो यहाँ की सुंदरता को और इन्हेंस कर दे रही थी। बस मैं सारी चीज़ों को कैप्चर करती जा रही थी, बस मन कर रहा था सारी चीज़ों को मैं कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और हमने जानबूझकर ऐसा रिजॉर्ट लिया था जहाँ पे बिल्कुल सूदिंग सा वाइब आए, और यहाँ पे इतना प्यारा सूदिंग सा वाइब्स आ रहा था, बस लग रहा था इन सारी चीज़ों को देखती रहूँ और इन सारी चीज़ों को कैप्चर कर लूँ। मैंने जितना भी हो सका था उतना कैप्चर किया और आप लोग के साथ शेयर किया। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी इस प्यारे से व्यू के साथ। अगर आप लोग को ये मेरा प्यारा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू गाइज़।